हेलो गाइस, वेलकम टू नैराज किचन। आज मैं आपसे ब्राउनी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो भी बिस्किट से। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक बिस्किट का पैकेट ले लेंगे, और कोई भी बिस्किट आप इसमें ले सकते हैं, और तोड़कर हम इस बाउल में डाल लेते हैं। तो सारे बिस्किट तोड़कर डाल लेते हैं ताकि आसानी से पिस जाएँ, क्योंकि हमें इसका एक फाइन पाउडर बनाना है। और अब मैं जार में डाल रही हूँ, और बाकी हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीठा भी इसके अंदर होता है। हमें बस इतना ही मीठा चाहिए और ज़्यादा नहीं डालना है। और लीजिए, मैंने पाउडर बना लिया है, और अब थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये ब्राउनी बन जाती है, और सिर्फ 15 मिनट के अंदर तो तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से विस्कर से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर एक पिंच मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ, ताकि हमारी ब्राउनी है वो अच्छे से फूल जाए। और अब बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। और अब मैंने टिन को तैयार करके रखा हुआ था, नीचे मैंने घी से ग्रीस कर दिया और थोड़ा सा आटा डालकर इसको मतलब फैला दिया था। और अब इसके अंदर डाल के मैंने पहले से कढ़ाई को गर्म कर रखा था, और 15 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। तो देखिए, 15 मिनट के बाद में ये बेक हो गई है। तो हमें कोई भी टूथपिक इसके अंदर डालकर देख लेना है, अगर नहीं चिपकता है तो हमारी ब्राउनी तैयार हो गई है। अब इसको हमें कुछ देर के लिए ठंडा होने देना है, गर्म को बिल्कुल भी नहीं निकालना है, वरना ही टूट जाएगी। तो देखिए, ठंडा होने के बाद में मैंने निकाल ली है, और अब इसको एकदम से सीधा करके मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर रखा है, और वो इसके ऊपर हम डाल देते हैं और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो फटाफट ब्राउनी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही कम टाइम में, और टेस्टी भी बहुत बनती है। तो जब भी आपको ब्राउनी खाने का मन करे, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।